हाँ जी गाइज, सभी का वेलकम अपने YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले गुजारिश आपसे यही है कि अपने चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो कर देख लो लाइक और कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी आपको। और भाई एक बात और, ठीक है, मैं हमेशा लास्ट में बोलता होता हूँ यार, कभी बार तो बोलता ही नहीं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आप ऐसे ही भूल जाते हो कि ये भी करना था क्या। ठीक है, तो आज मैं ना आपको दो तीन बातें बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना व्लॉग को, ऐसे मतलब स्किप स्किप करके देखोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और आपको पता है ना मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, आप जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, जो बंदा उस लाइन का है, जिस बंदे ने मतलब कि यूनिफॉर्म वगैरह कभी मतलब कि आपको लगे कि यार इसने, जैसे मैंने हूँ, मैंने मेरी एप्लीकेशन दिखाई हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन दिखाया हुआ है, मेरा नाम रजिस्टर्ड है, जिस नाम से मेरा ब्लॉग है उस नाम से रजिस्टर्ड है, उसके अंदर मैंने ऑर्डर दिखाए हुए हैं, मैंने ऑर्डर पिक करते हुए वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग हैं। जस्ट ना हो कि मैं अभी ना गर्मियों का सीज़न है तो इतना टाइम ही नहीं होता, मूड भी ख़राब होता है पूरा, पता है ना, इस बात में तो शाम को ही ब्लॉग बनाता हूँ मैं फ्री होके अभी। ठीक है, तो बात ये है कि आप ब्लॉग उसका ही देखें, किसी भी फील्ड के लिए देख रहे हो आप, जिस फील्ड में वो बंदा है, ये वो मुंह उठा के आ जाते हैं ना, माइक मुंह में दे देते हैं, उनका ब्लॉग मत देखें भाई, उनको कोई पता नहीं है, जस्ट उन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है कि इधर से, जैसे मैं डिलीवरी के लिए ऑर्डर देने गया, उसने भाई पूछ लिया मेरे से ये होता है ये होता है, अच्छा ये होता है, वही आपने डाल दी ऊपर, वो थोड़ा पैसा दे के एड बुड्स डलवा के जे आगे शो करवा देते हैं। तो ये चीज़ें भाई मत देखें उनको, वे मतलब आप फॉलो कर रहे हो, किसी ने आपने कमेंट का रिप्लाई किया भाई, एक आधा परसेंट होता है जो आपका रिप्लाई करे, वरना कोई रिप्लाई नहीं करे। ठीक है, आपको एक बोला भाई, देखो एक मेरे को मैसेज आया था भाई, मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, भाई यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, अब इंस्टाग्राम आईडी बनाओ ना, इस दुनिया में जमाने के अंदर इंस्टाग्राम तो है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ना करें, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है, मैं फॉलो की बात नहीं करता, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं मैसेज चेक करता हूँ तो रिक्वेस्ट के अंदर जाके, और किसी भी एक भी बंदा नहीं है जिसकी रिक्वेस्ट मैंने नहीं देखी है। और बात ये, पहली बात ये, मैं चैट करके कभी बात नहीं करता, मैं वॉइस भेजता होता हूँ क्योंकि मेरे को चैट के लिए टाइम नहीं होता। बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने मेरे को मैसेज किए भाई आप अच्छा गाइड कर रहे हो, ठीक है, बात ये है भाई, राइडर के लिए आप मेरे को पूछ रहे हो कि हमें एक बेस्ट कंपनी का नाम बता दें, ठीक है भाई, तो बेस्ट कंपनी भाई एक नहीं है, बेस्ट कंपनी अनेक है दुबई के अंदर, ठीक है, और हर कंपनी के पास ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि तालाबाद के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर है उस बंदे का, जैसे मैं मानो मैं हूँ बंदा, मैं ओनर हूँ एक कंपनी का, ओनर हूँ नहीं मैं, जस्ट एक बताया आपको, जैसे मैं ओनर हूँ एक कंपनी का, मेरे पास मानो राइडर है, मेरे पास ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, क्रीम के साथ भी है, तालाबास के साथ भी है, डिलीवरों के साथ भी है, नून के साथ भी है, अभी मानो मेरे पास 10 राइडर आए, हमें बोल रहे हैं भाई मेरे को नून में जाना है, भाई मेरे को तालाबाद में जाना है, भाई मेरे को डिलीवरों में जाना है, तो मैं जो बंदा जिधर जाना चाहता है मैं उसको भेज दूंगा, बट कंपनी का मेन देखा जाता है भाई, कंपनी कैसी है अपनी, ठीक है, तो कंपनी कैसी है, टाइम पे सैलरी दे रही है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मतलब कि लग जाए, फीवर हो गया, मतलब कि जल्दी एक्शन ले रही है, नहीं ले रही, आपने कॉल किया, अरे भाई मेरा ना तबीयत ख़राब है तो आज मैं नहीं जाऊंगा ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट उठाया भाई, आज मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज़ आप मेरा शिफ्ट कैंसिल करा दे, इस जेन्युइन और नो वो चीज़ चेक करनी है अपने कि ठीक है, जैसे मतलब आप वो चीज़ भाई आपको ओनली सिर्फ कौन बंदा दे सकता है, ओनली सिर्फ वेयर हाउस ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और हर राइडर के साथ हर कंपनी एक जैसा बिहेव नहीं करती, आपको पता होगा एक कंपनी के अंदर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो 50 के साथ कंपनी का बिहेव कैसा ही होगा और 50 के साथ कैसा होगा, मतलब कि इक्वल बिहेव किसी के साथ नहीं होता, इस बात का तुम्हें भी पता होगा बिल्कुल अच्छे से कि इक्वल बिहेव कंपनी कभी नहीं करती, क्योंकि जो बंदा उनको ज़्यादा काम करके देता है, जो बंदा मतलब कि उनकी कोई ड्यूटी मिस नहीं कर रहा, उनको वो ज़्यादा फॉलो करेगी, उनकी ज़्यादा बात मानेगी, जो बंदा मान को एक 500 ऑर्डर कर रहा है तो उसकी वो ज़्यादा सुनेगी, फर्स्ट टाइम में मैसेज सुन के कॉल अटेंड करके उनको बोलेंगे हाँ जी आप छुट्टी पे हो, चलो कोई बात नहीं है, ऐसा बात हो जाएगा, बट जो बंदा महीने के 300 ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप उस बंदे से जाके पूछ लो जो महीने के 300 ऑर्डर कर रहा है, एक बात सोचने वाली बात है, एक 300 ऑर्डर कर रहा है, 300 कंपनी कह रही है यार साला हमको भी घाटा है 300 ऑर्डर में, उस बंदे के साथ वो मिस हैपनिंग कुछ ना कुछ करेगी, जी हम तेरे एक ऑर्डर पे एक ड्रम काटेंगे जी, तीन ड्रम काटेंगे जी, तुमने तो 300 ऑर्डर किए हैं महीने के, ठीक है, देखो काम है तभी तो 500, 600 ऑर्डर कर रहे हैं ना लड़के, ऐसे मुंह उठा के थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 300 करेगी तो वो मिसबिहेव करेगी उसके साथ कि तुम ऐसा करो हम ऐसे करेंगे, सैलरी देने के टाइम में गिर, उस बंदे से आप मिलोगे तो वो कंपनी क्या कहेगी, वो कंपनी बारे में क्या कहेगा, भाई हमारी कंपनी तो घटिया है, कचरा है,
उसी कंपनी के दूसरे बंदे से पूछोगे आप, यार कंपनी तो अच्छी है जो बंदा काम करता है उसके लिए। ये होता है, आपको भी पता है, आप ये दुनियादारी को आप ही समझते हो इतना, जो बंदा बाहर आना चाह रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर भाई आप नून में लगना है, डिलीवरो में लगना है, जिधर मर्जी लगना है, आपको नून के वेयर हाउस जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी बोल दिया यार नून के वेयर हाउस चले जाओ, उसके लिए सॉरी, कोई बंदा गया है तो ठीक है। और अगर भाई एक बात देखो, आप ना एक कंपनी के वेयर हाउस चले जाओ, आप नून के चले जाओ, तालाबाद के चले जाओ, शारजा में वेयर हाउस है, अजमान में भी वेयर हाउस है, उमलकमी में वेयर हाउस है, फुजेरा के अंदर भी वेयर हाउस है भाई, उधर सभी के हैं। ठीक है, फजीरा में या मुझे पता नहीं होगा, उमलकमीन में, हर हर स्टेट के अंदर है, मेरा आइडिया जहाँ तक है। जैसे दुबई के अंदर अलग है, शारजा के अंदर अलग है अपना, ठीक है, तो वो सिस्टम है। तो भाई देखो, आप जाओगे वहाँ से, आप कंपनी को कुछ भी नहीं बोलो, आप इतना सजा के बोलो, सर मुझे तालाबाद में काम करना है, ठीक है, एज ए डिलीवरी राइडर मेरा मन है, मैं काम करना चाहता हूँ। कोई भी नहीं बोले, मैडम होगी, सर होंगे वहाँ पे, कोई भी, ठीक है। आप बस लोकेशन ले ले किसी भी राइडर से आके, भाई मेरे को आपने आप वेयर हाउस का लोकेशन दे दें प्लीज़, किधर है तालाबाद का वेयर हाउस। आप वहाँ जाओगे, वो आपको बोलेंगे जी ये इजलैन है जी, ये जोन डिलीवरी सर्विस है जी, ये कम्फर्ट जोन है डिलीवरी सर्विस है जी। इन कंपनी की कभी आज तक राइडर की कंप्लेन नहीं है हमें, कि हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिली है, हम पे कोई एक्शन नहीं है, लेयर जा रहा जल्दी, हम तबीयत ख़राब हो जाती है, कंपनी हमारी सुनती नहीं है, हमारी कंपनी शिफ्ट करो आप कैंसिल नहीं करती है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। उनको सब पता है, तो वो कहेंगे जी आपको, जी जोन डिलीवरी सर्विस है, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, कंपनी अच्छा है। आप उधर जाओगे, आप उनसे बात करोगे, वो आपको बोलेंगे जी हम 12,000 13,000 14,000 वीजे के लेंगे, आप हमें 3,000 4,000 पहले दे दें, हम आपको ऑफर लेटर दे देते हैं और आपका पहले वीज़ा बनवा देंगे, वीज़ा लग के आएगा, आपकी आईडी आएगी, आईडी आने के बाद हम आपका लाइसेंस बनवाएंगे, लाइसेंस आने के बाद जैसे ही आप हमें बोलोगे उनका कॉन्ट्रैक्ट, भाई बहुत सारी कंपनियों के साथ होगा। अब मानो तालाबाद में हायरिंग ओपन नहीं है, वो बोलेंगे भाई आपकी डिलीवरी में हायरिंग ओपन है, क्या मैं आपको ज्वाइन करवा दूँ, वो आप बोलोगे डिलीवरी में हायरिंग ओपन है, आप बोलोगे यार नून में हो सकता है, तो वो बोलेंगे हाँ नून में ओपन है, नून में करवा देता हूँ, क्योंकि उसके पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, बंदा अच्छा है, उसके पास सब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इजीली उस बंदे से थ्रू आप काम पे लग सकते हो। कंपनी जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा बंदे हैं, कंपनी भाग नहीं सकती, कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती, राइडर की सैलरी नहीं खा सकती, बस बात इतनी सी है। ठीक है, अभी भाई एक बात देखो कि भाई यार कोई इजी वे भाई लाइसेंस बनवाने का और दुबई में आगे बढ़ने का, आपका कोई भाई है, कोई सिस्टर है, ठीक है, आपकी मदर है जिनकी एज मतलब वो एजुकेटेड है, जिनको ड्राइविंग आती है, भाई कसम से आप, जैसे आपका भाई है इधर, ठीक है, मानो वो उसका बाइक में इंटरेस्ट नहीं है, मानो उसका आप गाड़ी के अंदर इंटरेस्ट है, भाई आप उसे गाइड करें, आप मेरा चैनल देख रहे हो, ठीक है, गाइड करें भाई, सीरियसली झूठ नहीं बोल रहा, कसम से आपको 19-20 का भी फ़र्क हो जाए ना, 19-20 का फ़र्क हो, आप मेरे को कमेंट में गालियाँ दे दो, मैं आपका चुप रहूँगा, बोलूँगा नहीं, जितना तक मेरे को नॉलेज है उतना तक बोल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। आप उनको गाइड करें, अगर उनको गाड़ी भी नहीं चलाना आता हो, उनको बोलो आप गाड़ी चलाना सीखो, आपको कंपनी वाला सिखाएगा जिधर आप लाइसेंस बनवाना जाएगा, भाई 6-7 हज़ार दिरहम लगेगा, 6-7 हज़ार दिरहम 2-3 महीना में पूरा कर लेगा, वो 2 सालों में इतना पैसा कमा के दे देगा घर पे कि आप सोच नहीं पाओगे, जितना वो 2 साल में इधर उस लाइन में कमाता था, एक लाइन में 1500 रुपये कमा रहे, एक लाइन में जाके यार वो महीने का 2500-3000 कमाएगा, डबल सैलरी नहीं आ गई, साल के 12000 कमाए, ठीक है, एक में 24000 कमाए, भाई कितना पैसा डबल हो गया, सोचा बात को। आप उनको गाइड करें, सेविंग करें थोड़ा सा, और आप अगर आपकी सिस्टर है तो सिस्टर क्या, जो लड़की लोग होता है ना वो थोड़ा सा डरावना होता है कि यार हम यहीं ठीक है, सेफ जगह काम कर रहे हैं, यार आप लाइसेंस ले लो, आप अपनी बहन है चलो ठीक है, सिस्टर है, मदर है, उनको बोलो आप लाइसेंस ले लो दीदी, ठीक है, किसी की बहन है, किसी की वाइफ भी हो, आप लाइसेंस ला के, कुरियर का बहुत काम है भाई इधर, लड़कियां टैक्सी चलाती होती है, कुरियर का डिलीवरी का काम करती होती है लड़कियां, ठीक है, फैमिली ड्राइवर होती है लड़कियां, जॉब ढूंढोगे इस लाइन में मिलेगी, बट पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जो लड़कियां फैक्ट्री में फंसी हुई है, सुपरमार्केट में फंसी हुई है, 1500-1500 12-1200 सैलरी के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब वही बंदे सेम भाई जो बंदे फंसे हुए हैं 1100-1200 1500-1600-1700 सैलरी में फंसे हुए हैं ना, ठीक है, वो बंदे भी भाई अपना कार का लाइसेंस बनवाए या बाइक का लाइसेंस बनवाए और भाई 2 पैसे ज़्यादा कमाए। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता, जैसे देखिए मैंने कमेंट में भाई आप क्यों ऐसे फंसा रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, अरे भाई जो बंदा तुम मेरे को मैसेज कर रहा है
कि इसमें लाइन में कुछ नहीं है, तो तू छोड़ के जा ना, तू क्यों कर रहा है? ये तो 1500 रुपये तो तू बाहर भी ले सकता है कहीं भी। 1500 रुपये के ताला बात में बनते हैं तो इतने रोड पे क्यों भागे राइडर, मुझे समझ नहीं आया। वो 1500 रुपये में एसी में बैठ कर आराम से काम करेंगे 1500 रुपये में, भाई कंपनी खाना भी देगी, अकोमोडेशन भी देगी, एवरीथिंग देगी कंपनी। क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, खुद का खाना खुद का रहना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? पैसा है तभी ले रहे हैं ना भाई। अब फालतू बातों में मत आया करो ऐसे किसी के, ठीक है? जो काम करने वाले काम है वो करो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ, मैं ये मुझे 20 राइडर अगर इकट्ठे खड़ा दो आप, ठीक है, एक राइडर मेरे को सामने खड़ा देना, अगर कोई राइडर ऐसे कह देना भाई काम नहीं है, तो मैं उनको बता दूंगा कौन काम बोलता है काम नहीं है। एप्लीकेशन जाके चेक करोगे ना, किसी के आर्डर के कम नहीं होंगे, 17-17, 18-18, 19-19 आर्डर मार के बैठे होंगे, ठीक है? दूसरे बंदे से बातें लेते होते हैं कि यार मैंने अभी जैसे मेरे से पूछ लेते भाई कितने आर्डर हो गए, मैंने बोल दिया भाई 18 हो गए, अरे यार भाई आपके 18 होंगे यार, मैं तो 13 भी बैठा हूँ। और जब बाई चांस भाई मैंने ऐसे देखे हैं, बाथरूम में गया है, मेरे को फ़ोन पकड़ा दिया, बाथरूम फ़ोन पकड़ना यार, एक बार बारिश का मौसम था, मैंने फ़ोन पकड़ा दिया, मेरे को ऐसे कपड़े गिले थे, तो बाथरूम गया, मैंने बोला कि भाई कितने आर्डर हो गए मेरे, उस टाइम मैं गया हुआ था 7 बजे का मॉर्निंग में, तो शाम को मेरे आर्डर हो गए थे 19 आर्डर हो गए थे। तो उसने मेरे को फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने भाई बोला कितना आर्डर हो गया भाई, बोला भाई 13 आर्डर हुआ है सुबह का आया हूँ, भाई 18 आर्डर करके बैठा हुआ मेरे जितने, बता मेरे को 13 आ रहा है। तो इन बातों में यकीन मत करा करे, ठीक है? आप आओ मेहनत करो भाई, ठीक है? आओ आप लेबर क्लास में आ रहे हो, बट फोकस रखो, मैं लाइसेंस लूँ, लाइसेंस के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं हो, आप इजीली लाइसेंस बनवा सकते हो, आप बाइक का बनवाओ, कार का बनवाओ, सक्सेसफुल हो लाइफ के अंदर, ठीक है? आप इन लाइनों में आओगे, कुत्ते की तरह भोंकोगे फिरोगे, ठीक है? आपको नॉलेज होगी, लोगों से मिलोगे, एवरीडे टैक्सी चलाते हो तो लोगों से मिलोगे, आपकी नॉलेज होगी, ठीक है? बाइक राइडर होगे तो आपको नॉलेज होगी, तो आप आगे बढ़ने का सोचोगे। आप उधर से भाई जो बंदे 1000-1200 सैलरी के अंदर है ना, कसम से 90% ऐसे बंदे आते हैं दुबई के अंदर है, जो जिन्होंने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होता है, बुर्ज खलीफा देखी नहीं होती उनकी ना, वो देखने जाते बेचारे, क्योंकि उनके पास सैलरी भी नहीं होती, इतना घर पे भेज देते हैं, अगर किसी से आए तो 100 रुपये टैक्सी वाला ले लेता है, तो उनका आने का मन भी नहीं करता भाई, ठीक है? पैदल चल चल के भोंक भोंक के तो कोई देखता नहीं है। आप बात समझ में भाई, आओ मेहनत करो, ठीक है? कोई सी बंदे की फालतू बातों में मत आओ। पैसा है, थोड़ा टाइम लगेगा काम लगने में, क्योंकि इसके अंदर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, फिर आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है फैक्ट्री के अंदर आते ही लग जाओगे। जिस काम में पैसा होता है उस काम में मेहनत लगती होती है, टाइम लगता होता है, बट पैसा है। अगर मान के चलो आप बाइक राइडर की लाइफ में आ रहे हो, अगर आप बाइक राइडर की लाइन में आ रहे हो, चाहे आप डिलीवरों में आ रहे हो, चाहे आप नूना में आ रहे हो, एक दिन आपका इतना बड़ा हाथ बन जाएगा मार्केट के अंदर, आप नून डिलीवरों किसमें हो भाई, आपको पता चल जाएगा, मैं इस कोने पे बैठूंगा मेरे को ऑर्डर आएगा, बाहर के कस्टमर बना लोगे अपने बाहर के रेस्टोरेंट के ऑर्डर उठाने के लिए, कि इस रेस्टोरेंट पर आर्डर आते हैं, मेरे को ऑर्डर दे दो जी, मैं 20 द्रम लूँगा, 15 द्रम लूँगा, आपका ऑर्डर दे आऊँगा। ऐसे ऐसे सेटिंग होते हैं भैया, ठीक है? आप आओ अपना मार्केट में हाथ फैलाओ, ठीक है? 6 महीने लगे, 6 महीने घर पे बैठे ऐसे वीडियो देखते देखते लगा दोगे आप, ठीक है? आओ लाइसेंस बनवाओ, काम पे लगो, 6-7 महीनों में, साल में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगले 4 साल भाई एक्सपीरियंस के बाद आपने लगा लिए ना, आपकी घर की सिचुएशन चेंज हो जाएगी राइडर की लाइफ के अंदर, ये मजाक नहीं है, सीरियसली बात है ये। 4 साल के अंदर आपके घर की सिचुएशन चेंज कर दोगे आप अपना इतना अपने खुद को इतना आगे लेके चले जाओगे काम करते करते, ठीक है? चाहिए आप टैक्सी के अंदर, अगर टैक्सी के अंदर हुए तो और भी मज़े हैं, क्योंकि आप एसी में रहोगे, सब कुछ मज़े हैं, बिल्कुल फैंटेस्टिक, ठीक है? नज़ारे वाली लाइफ जियोगे, और लोगों को भी गाइड करो भाई आ जा, क्योंकि भाई ऐसा फिक्स नहीं है, कह देते होते ना जी राइडर ज़्यादा हो गए हैं जी, ठीक है जी टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा होंगे भाई। देखो साल में 50 बंदे छुट्टी जाते हैं, 50 बंदे के एक्सीडेंट होते हैं, बंदों की कभी तोड़ नहीं पड़ती इन कामों के लिए, ठीक है? एवरीडे बंदे जाते हैं और एवरीडे बंदे आते होते हैं, ठीक है? 2-2 साल बीजे आज पता नहीं कितने राइडर तालाबाद के गए होंगे वेयर हाउस में, जमा कपड़ा जमा करवा के छुट्टी पे, कम से कम 10-15 राइडर गए होंगे, 10-15 राइडर न्यू हायर किए होंगे। ये सर्कल होता है भाई, कोई बंदा यहाँ पे जो आज से पहले काम कर रहा था वो इधर ही काम नहीं कर रहा है, चेंज कर लिया उसने अपना जोन, जो बंदे ने 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार द्रम कमा के उसने अपना कोई सेटअप करके बैठ गया, तो बंदों की कमी पड़ गई, अभी वो सर्कल घूमता रहता है ऐसे ही भाई। ऐसे बात तो मैं नहीं आई जी हायरिंग फुल होगी जी, बंदे बहुत हो गए जी, ये सब दोगली बातें होती हैं, ऊपर की बातें होती हैं, थोड़ा खुद का दिमाग चला लिया करो भाई। ये साइकिल होता है, एक जोन होता है जो घूमता रहता है, हर 4 मंथ बाद, 2-3 मंथ बाद घूमता रहता है, जिसमें नंबर सभी का आता रहता है, जो बंदा जिस लाइन में जाता है, कहीं भी कोई जगह नहीं होती जहाँ फुल हो जाए जी, यहाँ पे फुल हो गई, ठीक है? वैकेंसी वाला सिस्टम है इंडिया में जो होता है, पाकिस्तान में जो होता है, ठीक है? वही सिस्टम है,
किसी फालतू वालतू बातों में ना आए, इन बातों को ध्यान में रखें जो मैंने बोली है। मैं आपको इतना ज़ोर ज़ोर दे दे के समझा रहा हूँ जो, ठीक है भाई, ये झूठ नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं लगता ये भाई, ठीक है, कि बंदा दुबई है कि नहीं, ठीक है, दुबई है। और आज तो मैं वैसे ही बाहर निकला हूँ, नहीं मैंने कहा वीडियो बना देते हैं भाइयों, कमेंट बहुत सारे आते होते हैं, ठीक है भाई। तो भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रूल फॉलो करते रहो, अच्छे से काम करो, अच्छे से मज़े करो, अच्छे से पैसे कमाओ, ठीक है गाइस। बाय बाय, वेलकम, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें वीडियो आप कैसी लगी, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे।